पीएम मोदी मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का करेंगे उद्घाटन। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी करेंगे शुभारंभ। यूएन में प्रस्ताव पर भारत के रुख से जुड़े न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर बोले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, का ऐसे क्रूर हमले को भारत समेत कोई भी सभ्य देश नहीं करेगा बर्दाश्त। Powerful condemnation of the horrors that were committed here, that are horrors that no civilized country, including your country and so many others. नए हमले में लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी, न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई धमाके की तस्वीर। अभी सुबह सुबह अटैक किया इजरायल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं। इजरायल की सेना ने हमास के चार बड़े कमांडर को मारने का किया दावा, सोशल मीडिया पर दी हमास आतंकियों के खात्मे की जानकारी। युद्ध के मोर्चे पर न्यूज 18 इंडिया की जाबाज रिपोर्टिंग, इजरायल और लेबनान में ग्राउंड जीरो से युद्ध की इंटरनेशनल कवरेज। हमारे पीछे आप लगातार देख सकते हैं तोप और टैंक के धमाके की आवाज आ रही है, और इस वक्त सामने में गाजा के अंदर एक बड़ा हमला किया है। ये जो पूरा इलाका है ये इजरायल लेबनान बॉर्डर है, जहाँ एक्टिव वॉर जोन बना हुआ है। कल भी इजरायल पर हमले किए हिजबुल्ला ने, इजरायल भी लगातार अटैक कर रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में ईडी ने दिया पूछताछ का नोटिस, 2 नवंबर को ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। सिंगूर जमीन विवाद में टाटा की बड़ी जीत, ट्रिब्यूनल ने टाटा मोटर्स के पक्ष में सुनाया फैसला। बंगाल सरकार को 766 करोड़ रुपए देने होंगे, बंगाल सरकार को 11% सालाना ब्याज देने का भी आदेश। कतर मामले में पीड़ित परिवारों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, का 8 भारतीयों की रिहाई के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल।